subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. सो है गाइस, आज की वीडियो में बात करने वाला हूँ प्रोजेक्ट एम यानी कि वैलोरेंट मोबाइल की एक कॉपी वर्जन के बारे में। अब देखो, ये वाला जो वर्ज़न है अभी प्ले स्टोर पर आया था कुछ दिन पहले, बट हाँ इंडिया में नहीं आया था। जिन्होंने बाहर के मतलब कि VPN वगैरह लगाकर उसको प्री रजिस्टर करके रखा था उनको बीटा वर्जन मिल गया था, और जिनको नहीं मिला था वो वेट कर रहे थे कि इंडिया में कब आए। ठीक है, तो इस वाला मतलब कि जो प्रोजेक्ट एम का एप्लीकेशन है या फिर प्रोजेक्ट एम जो गेम है, इसके काफ़ी सारे फेक एप्लीकेशन बन चुके हैं। मतलब कि क्रोम वगैरह पर अगर आप सर्च करोगे तो काफ़ी सारे मतलब कि फेक एप्लीकेशन देखने को मिल जाएंगे, जो कि काफ़ी ज़्यादा मतलब कि ख़तरनाक भी हैं। ठीक है, कुछ तो नॉर्मल हैं जिनमें एड्स वगैरह लगाकर लोग अर्निंग कर रहे हैं और लोगों को पागल बना रहे हैं, मतलब कि जो ऑडियंस है वो पागल बन रही है वहाँ पर। ठीक है, अब देखो, कुछ दिन पहले मैंने प्रोजेक्ट एम के ऊपर एक वीडियो डाली थी जिसमें मैंने बीटा वर्जन प्रोवाइड कराया था प्रोजेक्ट एम के एप्लीकेशन का। तो उसमें क्या सीन था कि वो एक बीटा वर्जन था जो कि ओरिजिनल एप्लीकेशन था, वो मैंने प्रोवाइड कराया था, बट वो इंस्टॉल नहीं हो रहा था और मैं उसकी मतलब जो डाटा फाइल वो प्रोवाइड नहीं करा सका क्योंकि मेरे पास डाटा फाइल उसकी नहीं थी। डाटा फाइल इन गेम में ही डाउनलोड हो रही थी और डाटा फाइल भाई साहब मुझे नहीं मिली कहीं से भी। ठीक है, एप्लीकेशन मिला था जो कि मैंने आपको दिया। और हाँ, यहाँ पर प्रोजेक्ट एम के काफ़ी सारे फेक एप्लीकेशन तैयार हो चुके हैं जो कि आप गूगल पर मतलब कि क्रोम वगैरह पर अगर आप सर्च करके देखोगे प्रोजेक्ट एम एप्लीकेशन या फिर एप्लीकेशन प्लस डाटा करके सर्च करोगे तो काफ़ी सारे फेक एप्लीकेशन देखने को मिल जाएंगे। और उनके सामने ये भी लिखा होगा कि प्रोजेक्ट एम बाय नेटीज़, ठीक है, नेटीज़ भी लिखा होगा, बट जैसे ही उन एप्लीकेशन को आप डाउनलोड करोगे या फिर इंस्टॉल करोगे भाई साहब आपको पता लगेगा कि ये ओरिजिनल प्रोजेक्ट एम का एप्लीकेशन नहीं है, वो एक फेक एप्लीकेशन होगा एंड वैलोरेंट मोबाइल नाम से कुछ होगा जैसे आप इंस्टॉल करोगे। ठीक है, इंस्टॉल करने के बाद प्ले करोगे भाई साहब आपको लगेगा कि आपके फ़ोन में वैलोरेंट मोबाइल ओपन हो गई है और आप अब आगे खेल पाओगे। ठीक है, बट ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा, उनमें मतलब कि वेरिफिकेशन मतलब कि सर्वर वेरिफिकेशन की कुछ प्रॉब्लम आ रही है। प्रॉब्लम नहीं, वो उन्होंने खुद डाल रखा है जो एप्लीकेशन डेवलप कर रहे हैं जो अर्निंग करना चाहते हैं ज़्यादा एक नए तरीके से, उन्होंने वो एक मतलब कि ट्रिक लगाई है वहाँ पर और एड्स वगैरह काफ़ी सारी लगा रखी हैं वहाँ पर। ठीक है, एड्स के अलावा भी वहाँ पर सर्वर वेरिफिकेशन जो कि मेन है उसके ज़रिए वो अर्निंग कर रहे हैं स्पॉन्सर्स के ज़रिए, मतलब कि जो स्पॉन्सरशिप उनको दे रहे हैं उनके एप्लीकेशन प्रमोट कर रहे हैं एंड उनसे जो है अर्निंग कर रहे हैं। ठीक है, तो अर्निंग एप्लीकेशन भी बने हैं एंड काफ़ी सारे मतलब कि वायरस टाइप के एप्लीकेशन भी बने हैं। देखो, अगर मैं सच बताऊं तो मुझे वायरस टाइप का ऐसा कोई एप्लीकेशन नहीं मिला, बट हाँ हो सकता है कि आपको वो मिल जाए या फिर ऐसा एप्लीकेशन आप ढूंढ लो जिसको इंस्टॉल करने से आप अपना टाइम वेस्ट करो और अपने डिवाइस को भी मतलब कि खो बैठो। ठीक है, तो मैं यही कहना चाहूँगा कि प्रोजेक्ट एम अब मतलब कि आप इंस्टॉल मत करना क्रोम वगैरह से कहीं और से। ठीक है, हाँ मैंने जो एप्लीकेशन दिया है वो रियल है, बट जो भी अब यूट्यूब पर मतलब कि वीडियो बना रहे हैं जो रियल क्रिएटर हैं वो तो ठीक वीडियो बना रहे हैं। ठीक है, वो बता रहे हैं कि कैसे डाउनलोड कर सकते हो या फिर बता रहे हैं, तो वो रियल वीडियो है, बट हाँ जो मतलब कि फेक यूट्यूबर हैं वो भाई साहब कमाई करने के लिए ही वहाँ पर बैठ रखे हैं और उन्होंने स्पॉन्सर्स वगैरह के काफ़ी सारे मतलब कि वहाँ पर ग्लिच लगा रखे हैं एप्लीकेशन में, वो एप्लीकेशन अपना प्रोवाइड करा रहे हैं। ठीक है, तो मैं यही कहूँगा कि प्रोजेक्ट एम के एप्लीकेशन अब गूगल क्रोम से डाउनलोड मत करना भाई साहब। जब ऑफिशियल लॉन्च होगी, उसकी ग्लोबली लॉन्च होगी, तो मैं ज़रूर आपको इन्फॉर्म कर दूंगा एंड आपको एप्लीकेशन और डाटा ज़रूर प्रोवाइड करा दूंगा। फिलहाल मेरे पास कोई भी अभी रास्ता नहीं है एंड मैं आपके डिवाइस में अभी प्रोजेक्ट एम नहीं चला सकता क्योंकि ये जो है थोड़ी देर के लिए कुछ लिमिटेड टाइम के लिए प्ले स्टोर पर आई थी। जिन्होंने प्री रजिस्टर कर रखा था गूगल प्ले स्टोर पर इस गेम को उनको मिल गई एंड वो प्ले भी कर पा रहे हैं। ठीक है, और जिनको नहीं मिली है भाई साहब वो इंडिया में आने की वेट करें। अब देखो, मेरे कहने का मतलब ये है कि प्रोजेक्ट एम या फिर वैलोरेंट मोबाइल नाम का कोई भी एप्लीकेशन गूगल क्रोम से डाउनलोड ना करें क्योंकि वहाँ पर अलग अलग साइट तुम्हें देखने को मिल जाएंगे जो कि दावा करती हैं कि वो प्रोजेक्ट एम या फिर वैलोरेंट मोबाइल नाम का जो गेम है उसको दे रही हैं, मतलब कि एप्लीकेशन उनका दे रही हैं बीटा वर्जन, बट वो ओरिजिनल नहीं होता है भाई साहब। वहाँ पर लिखा तो होता है कि प्रोजेक्ट एम बाय नेटीज़, बट भाई साहब वो ओरिजिनल एप्लीकेशन नहीं है, वो 150 MB का कुछ एप्लीकेशन होगा जो कि बिल्कुल फेक है। ठीक है, तो मैं यही कहूँगा कि भाई साहब अभी जल्दबाजी मत करो, गूगल क्रोम पर ज़्यादा सर्च मत करो। जैसे ही इस एप्लीकेशन की मतलब कि ग्लोबल लॉन्च होगी या फिर ये गेम ग्लोबली लॉन्च होगी तो मैं आपको ज़रूर इन्फॉर्म कर दूँगा और आपको एक सही तरीका बताऊँगा कि गेम को आप कैसे इंस्टॉल कर पाओगे। ठीक है, बाकी अगर आप इन एप्लीकेशन को ट्राई करोगे भाई साहब गूगल क्रोम पर ज़्यादा सर्च करोगे तो तुम्हें फेक ही एप्लीकेशन देखने को मिलेंगे जिनसे तुम्हारा नेट तो मतलब कि वेस्ट
वेस्ट होगा, डाटा तो वेस्ट होगा ही, साथ ही साथ तुम्हारा टाइम काफ़ी ज़्यादा ख़राब होगा क्योंकि वहाँ पर जो सर्वर वेरिफिकेशन की प्रॉब्लम मतलब कि जो ग्लिच लगा रखा है उन्होंने वो काफ़ी ज़्यादा ख़तरनाक है भाई साहब। वहाँ पर वो कंप्लीट भी नहीं होगा तुम पर जल्दी, क्योंकि सारे एप्लीकेशन तुम इंस्टॉल कर लोगे फिर भी वो सर्वर वेरिफिकेशन कंप्लीट नहीं होगा, ठीक है। तो यही कहने का मतलब है कि अब प्रोजेक्ट एम को भाई साहब गूगल क्रोम से डाउनलोड मत करना। अगर कोई जेन्युइन यूट्यूबर तुम्हें बता रहा है कि ऐसे तुम इस गेम को डाउनलोड कर सकते हो तो वो ट्रिक तुम लगा सकते हो, वीपीएन वगैरह लगाकर या फिर बीटा वर्जन कोई प्रोवाइड कराया तो वो तुम डाउनलोड करके देख सकते हो। बाकी तुम मतलब कि जो यूट्यूबर फेक एप्लीकेशन दे रहे हैं भाई साहब उनको ट्राई ना ही करो तो ही बेटर है, ठीक है। सो डेट इज आई होप आप लोग वीडियो सुनाएगी, वीडियो सुनकर लाइक करना, सब्सक्राइब तो कर ही लेना। सो आज गुड इतना ही, मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। किस्मत है नाराज खड़ी, आगे मुसीबत बड़ी बड़ी, हर मुश्किल को झेल जाएंगे, आग हो या पानी खेल जाएंगे, स्ट्रगल देख सब हो गए ढेर में चीड़ा फाड़ा जैसे बब्बर शेर, देर सवेर कभी ना कभी, आज नहीं तो और कभी, करेंगे लोग गौर कभी, लगे रहो बस रुकना मत, आएगा तुम्हारा दौर कभी, हो शोर कभी उन लोगों का जो